दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान कौन सा है तो आप लोगों का जवाब होगा F-22 रैप्टर। लेकिन अब दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान का स्थान बदलने जा रहा है और अब F-22 रैप्टर की जगह F-35 लेने जा रहा है, जिसे F-22 रैप्टर से बेकार माना जाता था, अब वो F-22 रैप्टर से कई गुना बेहतर बन चुका है। वर्ष 2021 की शुरुआत में F-35 ने ऐसा कुछ कमाल कर दिखाया है जिसके कारण अब F-35 इतना घातक और बेहतर बन चुका है कि इसे रोक पाना पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन बन चुका है। क्योंकि एक यूरोपियन कंपनी MBDA ने F-35 में ऐसी तकनीक और उपकरण लगा दी है कि ये एक अभेद लड़ाकू विमान बन गया है। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि अब F-35 भारत के लिए क्यों बेहतरीन लड़ाकू विमान बन गया है, जिसके कारण भारत को इसे खरीदना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम F-35 लड़ाकू विमान की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और 9 देशों के सहयोग से बनाया गया है। F-35 एक सिंगल सीट और सिंगल इंजन वाला विमान है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि F-35 विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। 5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान युद्ध में विभिन्न भूमिकाओं में अहम साबित हुआ है। F-35 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ग्राउंड अटैक के अलावा हवा में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कामयाब है। F-35 को लॉकहीड मार्टिन ने 3 अलग अलग मॉडल्स में तैयार किया है, जिनकी अपनी अलग खासियत है। F-35 एक कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसके अलावा F-35 भी शॉर्ट टेक ऑफ के अलावा वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। वहीं F-35C लड़ाकू विमान को खास तौर पर अमेरिकी नौसेना के लिए बनाया गया है। ये विमान एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरते और टेक ऑफ के समय कैटापल्ट का इस्तेमाल करता है, जो इसको कुछ ही सेकेंड में जबरदस्त स्पीड देता है। F-35 को दरअसल X-35 की ही तरह डिजाइन किया गया है। अमेरिकी वायुसेना में F-35 को पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। इन सब के अलावा इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि इसको दुश्मनों के रडार पकड़ नहीं सकते हैं। इसका कारण F-35 का आकार और फाइबर मैट है। इस विमान में मशीन गन के अलावा हवा से हवा और जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी लगी होती है। ये विमान 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। एक F-35 लड़ाकू विमान की कीमत करीब $82 मिलियन है। ये विमान 910 किलो के 6 बम ले जाने में सक्षम है, जो दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जो यूरोपियन कंपनी MBDA है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन घातक और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल बनाने में पूरी दुनिया में जानी जाती है। MBDA को करीबन $750 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में MBDA को Spear-3 मिसाइल को F-35 में लगाना है। पहले जान लेते हैं Spear-3 मिसाइल के बारे में। Spear-3 का मतलब सेलेक्ट प्रिसीजन एफेक्ट्स एट रेंज कैपेबिलिटी 3 है। ये ब्रिटिश की एयर टू ग्राउंड और एंटी शिप से हमला करने वाली मिसाइल है। ये कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। Spear-3 सटीक हमला करने में सक्षम है। ये 2 मीटर का Spear-3 मिसाइल टर्बोजेट और विंग किट का इस्तेमाल करके उच्च उपगति पर उड़ान भरता है। इस मिसाइल में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं कि इसे दुश्मन ट्रैक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि राफेल में भी MBDA के मिसाइल लगे हैं। इस मिसाइल की खासियत यह है कि F-35 में जब इसे तैनात कर दिया जाएगा, तब F-35 स्टेल्थ मोड में रहते हुए भी इस मिसाइल को फायर कर सकता है। दोस्तों, 20 से 25 दिन पहले अमेरिका ने F-35 से स्टेल्थ मोड में रहते हुए GBU सीरीज के एक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके कारण F-35 दुश्मन के क्षेत्र में जाकर बिना किसी के नजर में आए परमाणु बम गिराकर वापस आ सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि F-35 की कीमत ज्यादा है और इसे मेंटेन करने में भी अधिक पैसा खर्च होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक F-35 की कीमत $82 मिलियन है। वहीं भारत फ्रांस के बीच हुई 36 राफेल विमान की डील में एक राफेल विमान की कीमत $120 मिलियन है। मतलब इससे ये साफ है कि अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान फ्रांस के राफेल विमान से काफी अधिक सस्ता है। और भारत का चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव में F-35 भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी वजह से अब F-35 भारत और भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा उपाय है और भारत को F-35 लड़ाकू विमान खरीदना भी चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।